हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं। अंजलि दमानिया, गजानन मालपुरे समेत अन्य को गिरफ्तार करो वरना आंदोलन करेंगे। इस आशय का एक ज्ञापन नाथ फाउंडेशन की ओर से एसपी साहब के नाम सौंपा गया है। गुरुवार को नाथ फाउंडेशन के अशोक लाल वंजारी, डॉक्टर अभिषेक ठाकुर, राजेश मलिक, दीपक फालक, चंदन महाजन, सुनील खड़के, सुशील हासवानी, विनोद मराठे, दिलीप माहेश्वरी समेत कार्यकर्ताओं ने एसपी कार्यालय का रुख किया और लिखित रूप में अंजलि दमानिया समेत अन्य लोगों की गिरफ्तार करने की मांग की। आमच्या मागणे आहे की वा जे आरोप झाले ते बेछूट झालेले आहे, ते कुठल्याही याच्यानं असं त्यांचे आरोप सिद्ध झाले नाही तर या सर्व आरोपींना तात्काळ अटक करावी। जर त्यांना अटक नाही झाली तर आम्ही नाथ फाउंडेशनच्या वतीनं जे शासकीय अधिकाऱ्यांवर आम्ही असं कुठलं दबाव, पण ज्या नियमानं आहे त्या नियमाने चौकशी करून त्यांना गुन्हेगारांना अटक झाली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे। जर ती जर नाही झाली तर आम्ही सोमवारपासून तीव्र स्वरूपाचं एक आंदोलन करू आणि आंदोलन करताना कुठलंही काही झाले तर जबाबदारी हे सर्व पोलीस प्रशासनाची राहील। आंदोलन करताना आम्ही आमरण उपोषणसुद्धा करण्याची आमची तयारी आहे। त्यासाठी पोलीस प्रशासनाला आम्ही 2 दिवसाची मुदत देतो। त्यांनी 2 दिवसात ह्या आरोपींना अटक नाही झाली तर आम्ही आमचं आंदोलन करण्याचा आम्ही आमरण उपोषण करणारा तयार। एसडीपीओ सचिन सांगले को ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यकर्ताओं ने पुलिस की ढिलाई के हालत में बड़े आंदोलन और भूख हड़ताल की चेतावनी भी दी है। देखना है कि पुलिस गैर जमानती धाराओं में अंजलि दमानिया, गजानन मालपुरे और अन्य आरोपियों पर क्या कार्रवाई करती है। जलगांव से धर्मेंद्र राजपूत के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। ताज़ा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।